नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, देश में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन 1 जून से लेकर 30 जून तक चलने वाला है। हालांकि दोस्तों, लॉकडाउन 5.0 के दौरान कुछ नई छूट दी जाएंगी, जो कि 8 जून से होटल्स, रेस्टोरेंट आदि चीज़ें खोल दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, अब IPL 2020 और क्रिकेट को फिर से शुरू होने को लेकर क्या चांसेस बन रहे हैं, यही सारी बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। वहीं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि IPL और क्रिकेट की हर एक न्यूज़ आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ने के बाद अभी भारत में क्रिकेट और IPL का होना मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हालात बेहद ही ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को 5.0 लॉकडाउन की शुरुआत करनी पड़ी है, जो कि अब 30 जून तक चलने वाला है। हालांकि भारत की सरकार ने पहले ही स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन वहां पर दर्शकों को अलाउ नहीं किया जाने वाला है। इसलिए हो सकता है कि फिलहाल जो है क्रिकेट ना चालू हो और अभी IPL पर भी कोई भी फैसला ना लिया जाए। वहीं दोस्तों, BCCI जो है 10 जून का वेट कर रही है। 10 जून को ICC की फिर से मीटिंग होने वाली है, जहां पर हो सकता है कि ICC इस साल T20 वर्ल्ड कप को पोस्टपोन कर दे, और अगर ऐसा होता है तो BCCI को ऑटोमेटिकली अक्टूबर और नवंबर की विंडो मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, फिलहाल जो है BCCI अभी IPL कराने के बारे में कुछ भी विचार नहीं कर रही है। वो सिर्फ अक्टूबर और नवंबर की विंडो का वेट कर रहे हैं, जहां पर T20 वर्ल्ड कप का होना था। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट भी इस साल T20 वर्ल्ड कप को अपने देश में आयोजित नहीं करवाना चाहता है। ऐसे में ICC को ना चाहते हुए भी T20 वर्ल्ड कप को पोस्टपोन करना पड़ सकता है, और ये वर्ल्ड कप 2022 में खेला जाएगा। ऐसे में दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की विंडो BCCI के पास खाली मिल जाएगी। हालांकि उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए और बाकी खिलाड़ियों के कार्यक्रम को भी देखते हुए IPL 2020 का आयोजन करना होगा। वहीं दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में कई लोगों का ये भी मानना है कि जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर के महीने में IPL 2020 का आयोजन हो सकता है, और यहाँ पर दर्शकों के बिना ही मैचेस खेले जाएंगे। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी पहले ही इसे लेकर बयान दिया है कि अगर IPL 2020 का आयोजन दर्शकों के बिना भी होता है तो भी उन्हें खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, BCCI ने अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं किया है, उन्होंने इस पर अभी तक कुछ बयान भी नहीं दिया है। खबरों के मुताबिक 25 सितंबर से 1 नवंबर के बीच BCCI IPL का आयोजन करवाने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन उसके लिए भी T20 वर्ल्ड कप का रद्द होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो ही BCCI इस विंडो में IPL 2020 का आयोजन कर पाएगी। तो दोस्तों, अब हमें भी इंतज़ार करना होगा 10 जून का, अगर ICC की बैठक में ये बड़ा फैसला होता है कि T20 वर्ल्ड कप को 2022 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो ही IPL 2020 इस साल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी अपडेट IPL 2020 को लेकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।